हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस पैल वर्ल्ड का। और आज का जो पैल वर्ल्ड का एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जोड़े बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी पैल वर्ल्ड की प्ले लिस्ट नहीं देखी तो प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको पैल वर्ल्ड नाम की हमारी प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उसको जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि उस प्ले लिस्ट के अंदर आप लोग को जो है गाइस हमारे जितने भी अभी तक पैल वर्ल्ड के एपिसोड अपलोड हुए वो लाइन से देखने को मिल जाएंगे। और आज का ये वाला जो एपिसोड है ना, ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग हमारी बैलेनोर इस बॉस को हम लोग को जो है ना कि चार ओपी वाली स्किल देने में हमारी बैंड बज गई थी। लेकिन फाइनली हम लोग ने लगभग एक हफ्ते की मेहनत के बाद इस बॉस को बनाया है गाइस यहाँ पे ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग हाइब्रिड ब्रीडिंग कर करके। और अभी आज के इस एपिसोड में मैं इस बॉस से सारे के सारे टावर बॉसेस को मारने वाला हूँ। मैं दिखाने वाला हूँ आपको हमारे बैलेनोर बॉस की पावर। और ये जो ना गाइस डार्क टाइप है भाई, ठीक है, तो डार्क टाइप जो पैल होते हैं ना गाइस, उन डार्क टाइप पैल की अगर आप लोग को पावर बढ़ानी है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका अटैक है 1594, लेकिन जैसे मैं हुरकैड्स को लगाता हूँ, हुरकैड की स्पेशल एबिलिटी है कि वो डार्क टाइप अटैक जो है गाइस वो बढ़ा देता है अगर हम लोग उसको अपने पार्टी में लेते। तो ये लिया मैंने पार्टी में, ये इसका 1700 डैमेज हो गया, ठीक है। ये लिया एक और हुरकैड पार्टी में, ये इसका 1800, ये हो गया 1900, और ये हो गया भाई सीधा 2000 डैमेज। सो इस तरीके से हम लोग ने इसका डैमेज बढ़ा दिया है। और अभी इसको लेके जाके मैं टावर बॉस की बजाने वाला हूँ बैंड। बट टावर बॉस की बैंड बजाने से पहले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम लोग को एक और महत्वपूर्ण काम जो है गाइस वो करना है, जो है गाइस यहाँ पे ब्रीडिंग का काम। पहले मुझे देखने दो गाइस कि हमारे बेस पे केक वगैरह जो है ना गाइस वो पड़े कि नहीं। 37 केक पड़े, यहाँ पे 25 पड़े, ठीक है, चलो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। आप सोच रहे होंगे भाई केक किस चीज की, भाई ब्रीडिंग करने के बारे में सोच रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 छः और जर्मन टाइड इग्निस है ना, ठीक है भाई। अच्छा ये 10 10 लेवल 50 50 लेवल वाले को ब्रीडिंग करने के लिए डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। और कौन रह गया, मैंने किसको डाला नहीं है भाई, कोई तो पहले मैंने यहाँ पे डाला नहीं है भाई। एक अनुबिस डाल दो एक और, चलो ठीक है। जर्मन टाइड इग्निस इधर आ जा। ओके, बॉस फाइट करने से पहले मैं जर्मन टाइड इग्निस जो है ना कि उनकी ब्रीडिंग कर रहा हूँ। इनकी ब्रीडिंग करने के पीछे सिंपल सा रीजन है गाइस, हम लोग के अभी तक जर्मन टाइड इग्निस की जो आर्मी है वो बनी नहीं है। मैंने भाई 6 और जर्मन टाइड इग्निस जो है गाइस मुझे उनको भाई अभी तक मैक्स लेवल करना है, वो हम लोग ने करा नहीं है। तो आर्मी जो है ना कि अभी तक बनी नहीं है। ये क्या है, मेल फीमेल कहाँ पे भाई, ये री फीमेल, ओके। तो मेल फीमेल जो है गाइस उनकी मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। और इनके अंडे जो आएंगे उन अंडों को जो है ना कि हम लोग मस्त बेके हैच करके इनकी मैक्स लेवल करेंगे, ठीक है। अभी मैंने कुछ कुछ जर्मन टाइड इग्निस की 3 3 लेवल कर रखे, बट हम लोग को जो है गाइस इनकी करनी है लगभग 5 लेवल, 10 जर्मन टाइड की, 10 जर्मन टाइड इग्निस की कम से कम 5 लेवल तो हम लोग को कर ही देनी है। तो मैं अभी यहाँ पे इनको डाल देता हूँ ब्रीडिंग के लिए, उसके बाद चलते हैं डायरेक्टली सीधा बॉसेस की बैंड बजाने के लिए। और सारे के सारे हाँ टावर बॉसेस को हमारा भाई अकेला ये सोलो बॉस मारेगा। अगर जरूरत पड़ी तभी मैं गन का इस्तेमाल करूंगा, वरना मैं गन का इस्तेमाल भी जो ना इस फाइट में बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है भाई। चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी से जो है इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग जो है सो चालू हो चुकी है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे उस वाले बेस पे जहाँ पे हमने ब्रीडिंग वगैरह और मुर्गियाँ वगैरह डाल रखी है। और यहाँ पे हम लोग जो है ना कि इस ब्रीडिंग का काम शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केक है कि नहीं भाई, चेकआउट करने पड़ेंगे। 17 केक, केक ज़्यादा नहीं है ब्रो, 25 केक, ठीक है। और यहाँ पे 5 केक, 25 भाई, 25 वाले अंकल थोड़ा सा, 19 केक और यहाँ पे 6 केक। केक बनाने के लिए डाल देता हूँ उनको सबसे पहले मैं। हाँ मुझे सबसे पहले तो केक बनाने के लिए डालने पड़ेंगे, वरना गाइस ब्रीडिंग जो है गाइस वो हो नहीं पाएगी ठीक से। तो यहाँ से जो दुद्धू विद्दू और दूसरी चीज़ें गाइस वो कलेक्ट कर लेता हूँ उनको पहले मैं, और जल्दी जल्दी से केक शेक बनाने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये दुद्धू, ये और अरे फालतू चीज़ें मेरे इन्वेंटरी में कहाँ से आ गई हैं, ये वुड वगैरह और दूसरी चीज़ रुको गाइस ये यहाँ पर डाल देते हैं इन बॉक्सेस में। ओके डन, चलो अभी यहाँ से मिल्क वगैरह उठाते हैं, हनी वगैरह उठाते हैं, ठीक है। और यहाँ से तो उठा लिया, यहाँ से अभी अंडे शंडे उठाने मुझे, और केक बनाने का काम हम लोग को शुरू करना है, क्योंकि केक हमारे ख़त्म हो चुके हैं भाई। मैक्सिमम जितने भी अपने पास केक थे वो सारे ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय।
अरे यार तुम हनी दो ना यार, तुम ट्रांसपोर्टिंग का काम क्यों कर रही है भी यार, जाके हनी देने का काम करो यार, तुम क्या कर रही भाई तू। चलो अभी यहाँ से मैं दूध वगैरह और बाकी चीज़ें लेके जाता हूँ और केक बनाने के लिए डालता हूँ इनसे, और जल्दी से वापस से रिटर्न आके जो है हम लोग यहाँ पे ब्रीडिंग का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है यार, हट जाओ भाई जर्मन टाइट इंग्लिश, हट जाओ यहाँ से। जी यहाँ पे जल्दी से केक बनाने का सामान सारा डालने दो, ये हो गया भाई, मिल्क वगैरह सब डाल दिया मैंने, अभी कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। कितना केक बन, अब 50 बन रहा है, काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया। हाथी हाथी भाई का ये बन रहा है भाई, ठीक है चलो। अब मेरे पास कुछ फालतू सामान पड़ा भाई इन्वेंट्री में, वो मुझे यहाँ पे स्टोर करने दो गाइस सबसे पहले तो। अरे क्या कर रहा है मेरे पास इतना फालतू सामान। अच्छा खा जाऊंगा ना मैं ये तो, खा जाऊंगा चलो, ये तो खा जाएंगे, रुको भूख लगी है भाई, ये लो खा लो भाई, मीट शीट खा लो यार, ये ज़्यादा ही है भाई, मशरूम मशरूम नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है चलो डन, अभी चलते हैं गाइस वापस से उस बेस पे और वहाँ पे जल्दी से ब्रीडिंग का काम शुरू कर देते हैं। केक थोड़े से मैंने डाल दिए, जब तक बॉस फाइट कर रहे तब तक बाकी के केक भी बन जाएंगे तो उनको भी डाल दूंगा मैं। ठीक है अभी यहाँ पे मेल फीमेल डालने, अरे यार हटाओ किसको, लेकिन लेवल 1 लेवल 1 तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी मैडम जी फीमेल, फीमेल को यहाँ पे डाल देता हूँ। ये तीनों के तीनों ब्रीडिंग सेंटर जो है वो जर्मन टाइड इग्निस से भी भर के रखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है हम लोग को लगभग 200-300 कम भर दिया, बोल दिया 500 लगभग अंडे चाहिए होंगे, अगर इन लोग की जो है ना कि आर्मी बनानी है मेरे को तो 500 तो कम से कम चाहिए होंगे किसी भी कीमत पे अंडे। ठीक है और सोल अलग से चाहिए, सोल सोल की प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोग को थोड़ी, उसका जुगाड़ कर लेंगे शायद हम, देखते चलो। और रुको भाई और थोड़े हटाने पड़ेंगे, लेवल 1-1 वाले हटाओ भाई, ये लेवल 3 वाली मुर्गी ना हटानी है, लेवल 1 वाली गाय, ये लेवल 1 वाली गाय, और बी मैडम जी गाय को हटाओ लेवल 1 वाली। ओके डन, चलो अभी यहाँ पे जर्मन टाइड इग्निस को डाल देना है, लेट्स गो। चलो मैंने थोड़ी सी जगह जो है जो खाली कर दिया, दूध अभी थोड़ा सा कम मिलेगा हम लोग को बट कोई सीन नहीं है। इधर जा भाई तू, हनी देने के लिए कितनी पीस है हमारे पास, 2 ही भी है ना, तो एक काव काव वो करो भाई, एक काव लेवल 1 वाले हटाओ यहाँ से भाई, एक बी डालने दो मुझे यहाँ पे भाई, इतने लेवल 3 वाली नहीं है कोई, वर्क स्पीड किसकी ज़्यादा है, 70-70 है, लेवल अप वाली कोई भी नहीं है क्या, होनी तो चाहिए थी मेरे हिसाब से। ठीक है चलो भाई, डाइट लवर मैडम जी आप जाइए काम करिए भाई अच्छे से भाई। ठीक है चलो अभी जल्दी से यहाँ पे कौन डाल दिया मैंने मेल, अभी यहाँ पे मुझे डालनी है भाई एक फीमेल, ये रही फीमेल। ठीक है चलो इसको डाल देता हूँ गाइस, ताकि ये ब्रीडिंग करके हम लोग को अंडे जो है गाइस वो अच्छे से आराम से दे सके। ये जा भाई यहाँ पे, ओके अभी आखिरी वाला गाइस एक ब्रीडिंग सेंटर बचा हुआ है, जहाँ पे भी मेल फीमेल में डाल देता हूँ जल्दी जल्दी से। जर्मन टाइड इग्निस इधर आ भाई, चलो इसको डाल दूंगा मैं ये आखिरी वाले हमारे ब्रीडिंग सेंटर पे। ठीक है तो आर्मी जो है गाइस जर्मन टाइड इग्निस की वो आराम से भी भाई बनती रहेगी यहाँ पे, अंडे वगैरह भाई ये देते रहेंगे और आर्मी को हम लोग यूज़ करेंगे इवोल्व करने के लिए हमारे दूसरे जर्मन टाइड इग्निस को। ठीक है चलो डन, ये आखिरी वाला है गाइस, उसके बाद सीधा बॉस फाइट जो है गाइस वो शुरू होने वाली है यहाँ पे, मजा आएगा भाई। चलो तो ये ब्रीडिंग कर रहे हैं आराम से कर रहे हैं, कोई सीन नहीं है, चेक कर रहे हैं तो ब्रीडिंग चल रही है, ब्रीडिंग चल रही है यहाँ पे भी कोई सीन नहीं है, यहाँ पे भी ब्रीडिंग चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से जो है गाइस ब्रीडिंग यहाँ पे चल रही है। अभी जल्दी जल्दी हम लोग घर पे चलते हैं और घर पे केक शेक कितने बन गए भाई, 5 केक बन गए ना, 5 केक भाई अभी फिलहाल के लिए तो उठा के मैं उधर डाल देता हूँ उस वाले, ठीक है ब्रीडिंग सेंटर में, ब्रीडिंग सेंटर में लगभग 9 केक थे कुछ, यहाँ पे मैं भी इधर डाल देता हूँ थोड़े से, 11 है ना, 16 हो गया भाई। चलो तो अभी भाई यहाँ पे थोड़े टाइम तक केक वगैरह देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, अभी घर पे जाके सबसे पहले सो जाता हूँ क्योंकि हो रही है भाई यहाँ पे शाम, तो हम सवेरा होते ही डायरेक्टली बॉस की बैंड बजाने के लिए निकल जाएंगे। अभी जल्दी जल्दी से तो मेरे को यहाँ पे सोने दो भाई, ठीक है लेट्स गो, अभी मजा आएगा भाई, सवेरा होते ही बॉसेस की जो है चुटकियों में बैंड बजाऊंगा, चुटकियों में मैं आपको बेले नॉयर जो बेला नॉयर बॉस है ना भाई उसकी दिखाऊंगा पावर। अभी कौन है रे, कौन उंगली करने के लिए आया भाई, मरना है क्या, अरे बाप रे देखो देखो चमन लोग मर गए, मैं मारने की ट्राई कर रहा था बट संभाल लिया भाई अपने पैल्स ने, कोई सीन नहीं है। चलो आ जाओ अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं गाइस यहाँ पे फर्स्ट टावर बॉस के पास, जो है गाइस यहाँ पे जोई और ग्रिसबोल्ड, इनको तो हम लोग भाई पहले ही मार चुके हैं बट भाई अभी वापस से सारे के सारे बॉसेस को मारना है,
सो इसलिए मैं वापस से इनकी बैंड बजाने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। सो सबसे पहली बारी है कि हमारी जोई और क्रिसबोल्ट की, और जोई और क्रिसबोल्ट को मैं एक अटैक में मारूंगा गाइस, ठीक है, एक अटैक में। आ जाओ गाइस, लेट्स गो, देखना गाइस, एक अटैक में जोई और क्रिसबोल्ट का गेम ओवर, गेम ओवर, ओवर बोलते बॉयज, गेम ओवर भाई, ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई भाई, बॉस पढ़ के जोई क्रिसबोल्ट आ गया स्वाद बेटा भाई, क्या मारा ये जो इसका अटैक है ना गाइस, नाइटमेयर इरिस करके, ये काफी ज्यादा खतरनाक वाला अटैक है, ये काफी गंदा डैमेज जो है गाइस वो यहां पे देता है। तो अभी गाइस एक अटैक तो दे दिया भाई, एक अटैक नहीं, एक बॉस को तो मार दिया टावर बॉस को, तो अभी चलते गाइस आइस वाले भाई वाले टावर बॉस को मारने के लिए। अभी इसका डार्क पावर भाई बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि मैं भाई हुरकैट जो गाइस वो लेके आया हूँ। सो जैसे पहले इसने मारा था ना इस आइस वाले बॉस को भी, वैसे नहीं मारेगी, उससे भी ज्यादा गंदी तरीके से मारेगे भी है। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी से, अभी मैं ये बॉस फाइट जो है शुरू कर देता हूँ, लेट्स गो बॉयज। ऑलराइट, ये गाइस हमारी प्यारी प्यारी सी लीली और लैलेन भाई, क्यूट क्यूट सी लीली और लैलेन भाई, देख रहे हो काफी ज्यादा क्यूट और हॉटी हॉटी लग रही है। अभी गाइस हम लोग, अरे अरे अरे, इससे बॉस फाइट लेते हैं, ठीक है, रेडी हो, एक पटके में क्या इसको मार पाएगी, थोड़ा मुश्किल ही है, बट अरे अरे अरे, बाय 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 बाय, दम तो है, अरे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गाइस, ऑलमोस्ट एक पटके में गेम ओवर भाई, ऑलमोस्ट ब्रो, आर यू क्यूमिडी मी, मरी भाई ये मरी, ऑलमोस्ट एक फटके में गेम ओवर हो गया था भाई। अटैक एग्रेसिवली मैडम जी, अटैक एग्रेसिवली, अटैक एग्रेसिवली भाई, ले टोर्नाडो अटैक और इसका गेम ओवर खत्म भाई, ऑलमोस्ट एक फटके में मरी थी भाई ये बॉस, यार मजाक हो रहा है क्या भाई, बहुत गंदा डैमेज दे रही है भाई हमारी बेलिन और बॉस। गाइस एक लाइक तो बनता है यार इस बॉस के लिए, काफी खतरनाक है यार, ऐसे मार दिया भाई इसने तो अपने डार्क लेजर वाले अटैक से भाई, खतरनाक, नाइटमेयर इरिस अटैक भाई, नॉट डार्क लेजर, इट्स नाइटमेयर इरिस अटैक भाई। चलो आ जाओ अभी चलते हैं गाइस सीधा वोल्केनो बाय में, वोल्केनो बाय में जो बॉस है ना, उस बॉस की भाई चुटकी बजा के बैंड बजा देंगे, क्या इसको भी मैं इतनी गंदी मौत मार पाऊंगा, वैसे थोड़ा सा स्ट्रांग बॉस है तो बोल नहीं सकते, मे बी थोड़ी दिक्कत हो, रुको इसको खाना पीना खिलाने दो मेरे को, ठीक है, ऑल राइट, क्या लग रहा है गाइस, अपने ऐसे थोड़ी गाइस इस बॉस को यहाँ पे बनाया भाई, इतनी मेहनत करके ऐसे थोड़ी बनाया है, काफी ज्यादा खतरनाक है बॉस, जो मेहनत है ना गाइस वो रंग लाई है, और मेहनत आपको भी अपने आंखों के सामने दिखाई दे रही होगी, क्यों रे भाई सपोले, बैकग्राउंड में भाई नागिन वाली भाई म्यूजिक बज रही है। इसको मैंने काफी कम ही मारा है भाई इस वाले बॉस को, इसके पास जो है ना गाइस हमारा ये भाई प्यारा प्यारा सा, इसका नाम भूल गया मैं, चलो कोई ना भाई, हाँ ऑर्सराइक्स भाई, ऑर्सराइक्स है भाई के पास, इलेक्ट्रिक टाइप पहले, इलेक्ट्रिक टाइप पहले भाई ऑर्सराइक्स इसके पास, नाइस जी जी, वेरी गुड, नॉट दैट बैड, नॉट दैट बैड, नॉट दैट बैड, हाँ भाई, हेलो हेलो ब्रो 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 वाइसो प्रो, अरे यार मार रहा भाई, बहन जी मारो, मैडम जी कम ऑन, नाइस टोर्नेडो अटैक, काफी बढ़िया टोर्नेडो अटैक, काफी बढ़िया वाला टोर्नेडो अटैक करा मैडम जी ने, ठीक है अटैक दो अपना, डार्क डार्क एनर्जी वाला, काफी बढ़िया, डैमेज तो डैमेज तो डैमेज तो डैमेज तो डैमेज तो डैमेज तो चलना भाई, डार्क लेजर, हाँ इट्स डार्क लेजर, सिमिलर अटैक है ये, सिमिलर अटैक है, अबे हुरकैड्स कहाँ से आ गया, हुरकैड कहाँ से आ गया भाई, अरे अच्छा वो मैं वही सोच रहा था वो गायब कहाँ पे हो गई, वो अपना स्पेशल अटैक देने के लिए गई थी, नाइटमेयर बॉल एंड वंस अगेन लियो भाई, वंस अगेन ले भाई लेजर वाला अटैक, एलेक्स एंड ऑर्सराइक बेटा, एलेक्स एंड ऑर्सराइक बेटा, मस्ती नहीं गोलू बेटा, मस्ती नहीं गोलू बेटा, अरे यार ये कहाँ पे डाल रहा भाई तू, गोलू बेटा मस्ती नहीं, अरे गोलू बेटा मस्ती नहीं, मैडम जी अटैक करो यार, इतना कूलडाउन तो हाई नहीं होता भाई इसके अटैक का, बट स्टिल मैं थोड़ा सा उंगली कर रहा हूँ इसको, चलो मार दे भाई, अभी वो गायब होके आएगी और इसकी बैंड बजाएगी भाई, इजी पीजी मार रही है भाई, बहुत ज्यादा गंदी मौत मार रही है, बहुत ज्यादा गंदी मौत, ले भाई वापस से अटैक कर दिया उसने, सेम अटैक है भाई, अरे यार इसका अटैक डिस्टर्ब हो गया बीच में गाइस, इसने मारा ना उसको तो, ठीक है ऑलराइट, टोर्नाडो अटैक भाई, रेड टोर्नाडो अटैक, ये अटैक जो है गाइस वो काफी ज्यादा खतरनाक है भाई, रेड टोर्नाडो वाला अटैक, और बिजली 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 से थोड़ा बच के, चलो मैडम जी एक और अटैक कर दो भाई, नाइटमेयर इरिस खत्म खत्म,
कल आना कल बेटा कल, वो इसने मेरे पे डाल दिया वो अटैक। ठीक है, वो कहाँ गायब हो गई? वो नहीं गायब नहीं हुई, वो हमला कर रहे। हो गया भाई, ये इसका गेम ओवर हो गया, गेम ओवर हो गया भाई, लेट्स गो। तीन बॉसेस को मार दिया भाई हमारे बैलनोर ने। हाँ बीच में बस एक आध भाई गोली, एक या दो गोलियां चलाई थी भाई, ज्यादा कुछ नहीं करा था, लेकिन बहुत गंदी मौत मारा है भाई। जो है गाइस वो काफी खतरनाक बॉस है भाई, यहाँ पे काफी गंदी तरीके से भाई टावर बॉस की बैंड बजा रही। इसको थोड़ा खाना शाना खिला लेता हूँ। ठीक है अभी चलते हैं, अभी दो बॉस बचे हुए, तीन बॉस मर गए ना, तो हमारे दो बॉस बचे हुए, एक तो डेजर्ट वाला बॉस और एक फाइनल बॉस जो कि आइस वाले बायोम वाला है, जो काफी ज्यादा खतरनाक है, बट उसको मैं मारने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आ जाओ चलो अभी चलते हैं हम लोग गए सीधा डेजर्ट वाले बॉस के पास, जिसको वेक्टर एंड शैडो पे को, नहीं वेक्टर नहीं भाई, इसका नाम भूल गया मैं, इसका नाम भूल गया। चलो कोई ना भाई, अभी जाके इसकी बैंड बजा के आते हैं। इस ये जो है इस फायर टाइप पहले तो ये आग वगैरह लगाएगा, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है मेरे को। चल भाई, मैडम जी हाउ आर यू? ओ भाई इसके ऊपर तो बहुत गंदी तरीके से डैमेज दे रही है भाई, इतना डैमेज ना मैं सच बताओ, इतना डैमेज इसने तो उसके ऊपर भी नहीं दिया था। अरे यार मैंने कैंसिल कर दिया गलती से अटैक, ठीक है गलती से अटैक कैंसिल कर दिया। चलो भाई ये मार रही है, ये मार रही है भाई। ये देखो इसका डैमेज उस इलेक्ट्रिक वाले बॉस के ऊपर भी इतना नहीं पड़ा था जितना इसके ऊपर पड़ रहा है। ऐसा कैसे भाई, इसकी बैंड वो इलेक्ट्रिक वाले बॉस से ज्यादा जल्दी बजाने वाली है। डार्क अटैक, हाँ भाई डार्क एनर्जी अटैक दे रही है, खत्म, आदिल खत्म भाई इसकी, आदिल खत्म भाई, चलना आवान दे। बड़ा तू इलेक्ट्रिक अटैक कर ले या कुछ भी कर ले भाई, तुम मेरे से तो बचने नहीं वाला। कमोन कमोन मैडम जी, दिखाओ अपना जलवा इसको। अच्छा जी, अच्छा जी, अरे इसको मारो ना मैडम जी, आई थिंक से मारने के मूड में नहीं है, कूल डाउन पे अटैक पे, समझ नहीं आ रहा। ठीक है मैंने अटैक तो दे दिया वैसे, और इसकी बैंड ऑलमोस्ट बच चुकी है भाई, ऑलमोस्ट। ये बहुत गंदी तरीके से मार रहे भाई, लेट्स गो रेड टोर्नाडो अटैक भाई। और एक और अटैक दे दिया इसने, डार्क डार्क वाला भाई, वो लेजर वाला नाइट में रिरीज वाला अटैक एक और दे दिया। एक और अटैक अगर सेम नाइट नाइट में रिरीज पड़ जाए ना इसको, बैंड बच जाएगी। अरे क्या गुंडा बनेगा रे भाई तू। चलो एक और नाइट में रिलीज भाई, हाँ भाई हाँ भाई, अटक गया वहीं पे चमन भाई बॉस। चलो खत्म इसकी कहानी, इसकी कहानी हो गई खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय लेट्स गो। यार क्या मार रही है भाई, क्या मार रही है ये बॉस भाई, मजा आ गया भाई। बेलिनोर जो है ना गाइस बहुत गंदी तरीके से मार रही है भाई इन बॉसेस को, तो भाई खतरनाक सुपर से ऊपर बोल दे भाई। आ जाओ आखिरी बॉस बचा हुआ है जो कि हमारा आइस वाले बायोम वाला बॉस, इसको तो ऐसे चुटकियों में मार दूंगा भाई। लेकिन ये डार्क टाइप है यार, ये भी डार्क टाइप है, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ये वाला बॉस भी डार्क टाइप, मैं भी डार्क टाइप, तो थोड़ा डिफिकल्टी तो होगी यार इस वाले बॉस फाइट में, थोड़ी डिफिकल्टी होगी, सो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉस फाइट हमारी सबसे ज्यादा खतरनाक बॉस फाइट हो सकती है। बट देखते चलो हमारी बेलिनोर जो बॉस है वो इसकी बैंड कैसे बजाती है यहाँ पे। मुझे तो लग रहा है भाई पकड़ पकड़ के उठा उठा के मारेगी इसको। विक्टर एंड शैडो बेक फाइनल बॉस है गाइस पूरे पाल वर्ल्ड का, टावर में, टावर बॉस में फाइनल बॉस है, और इसकी जो है गाइस हम लोग अभी यहाँ पे बैंड बजाने वाले हैं हमारे बैलिनोर बॉस से। इसके पास भी डार्क टाइप है गाइस हमारा जो पाल है वो, इसका पाल जो है शैडो बेक, और हमारे पास भी डार्क टाइप है। ठीक है सो थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, क्योंकि सेम सेम अगर क्लास के एक साथ भिड़ जाते हैं गाइस पाल्स, तो डैमेज जो है गाइस वो उतना ज़्यादा हाई नहीं पड़ता है। बट स्टिल देखते ही चलो, ये वेक्टर एंड शैडो बेक की फुल बैंड बजाने की हम लोग कोशिश करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। आ जाओ चलो भाई, तेरा डार्क टाइप पावर बढ़ेगा नहीं, मेरा डार्क टाइप पावर बढ़ेगा भाई। अरे नहीं यार गद्दारी कोर बे, गद्दारी कोर बे ना भाई, कर दी ना गद्दारी भाई है, गद्दारी कोर बे। गन का यूज करना पड़ेगा, ओ शायद से नहीं करना पड़े, मे भी शायद से ना करना पड़े, बोल नहीं सकते कुछ। चलना भाई काय फालतू में मार रहा बेचारी को। अरे 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 भाई लाड़ में आ रहा है यार ये, मार रहा भाई, बहन जी कुछ तो करो, इतना गंदी मौत मार रहा है मेरे को। मारो बै इसकी बैंड बजाओ इसकी, लेजर अटैक डालेगा चमन, लेजर अटैक डालेगा। मारो ना मैडम जी इसको, मारो भाई जान जान से मार दो बैस की,
जान से मार दो इसको। नहीं गाइस, गन का यूज करना पड़ेगा क्योंकि सेम क्लास है ना, तो दिक्कत हो रही है सेम क्लास वाले को मारने में। मैं मदद करूंगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं मदद करूंगा भाई। सेम क्लास वाले को मारने में थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इसको। ओके, अगर ये डार्क टाइप नहीं होता ना तो इसको हम इजीली मार देते, बट क्या करें भाई, ये भी डार्क टाइप निकला, सेम क्लास वाला है, तो हमको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी हमारे मैडम जी की। वैसे जरूरत तो नहीं होगी। अरे क्या भाई, क्या अटैक कर रहा है यार तू, क्या अटैक कर रहा भाई। मार दो इसको, मार दे, काफी बढ़िया, काफी बढ़िया। ओपी बोलते हैं, उसकी भी हेल्थ डाउन हो रही है भाई हमारी पैल की, इसकी भी हेल्थ डाउन हो रही है, संभल के थोड़ा भाई साहब। एक नंबर अटैक कर रही है यार ये, एक नंबर अटैक कर रही है, डैमेज भी वैसे ही खा रही है, एक नंबर डैमेज। अरे यार नाइस, काफी बढ़िया टोर्नाडो अटैक करा भाई, लेट्स गो। ओपी बोलते चल डाल अपना स्पेशल अटैक, डाल इसके ऊपर भाई। दोनों का भाई आपस में अटैक भाई कोलाइड हो गया भाई। ठीक है, नाइटमेयर बॉल आदिल तो डाउन कर दे। ओ शिट, बच के थोड़ा। ये अटैक जो है जो काफी खतरनाक है, बट इससे कैसे बचना है मेरे को पता है भाई। हाँ भाई कल आना, कल बेटे कल अटैक करना है, कल अटैक करना, ठीक है मैडम जी। अटैक करो दी, करो जी थोड़ा, नाइस। एक नंबर वापस से सेम अटैक करना है आपको, वापस से सेम अटैक जी। अरे यार इसने वो अटैक स्किप कर दिया भाई हमारा। चलो इसकी 1,00,000 हेल्थ बची हुई है, ज्यादा मैंने गन का इस्तेमाल नहीं करा है, अगर देखा जाए तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करा है गन का। ओ भाई, बर्फ का पुतला बना दी, थोड़ा संभल के इसको बचाना इसके अटैक से। अरे चलना भाई, आवान दे। इसने नाइटमेयर बॉल डाल दिया, अभी वो दूसरा वाला अटैक भी डाल दे, मस्त दे। अरे एक नंबर भाई, एक नंबर। चलो 85,000 गाइस यहां पे स्किल दे चुके। ओह शिट, कम ऑन, इधर आओ भाई, नाइटमेयर बॉल से बचे रहे ना इसके। इसका ये नाइटमेयर बॉल वाला अटैक जो है गाइस वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अरे यार मैडम जी कुछ तो करो अपने हिसाब से। अच्छा उसका डिवाइन डिजास्टर वाला अटैक होता है ना कि नाइटमेयर बॉल वाला। ठीक है चलो भाई, स्पेशल अटैक बैंड बच जानी चाहिए इसकी। 70,000 हेल्थ बची हुई है, काफी बढ़िया। ये अपनी मर्जी से भी हमला करे भाई इसके ऊपर, नाइस जीजी। ये अपनी मर्जी से हमला करे, मैं भी हमला कर रहा हूँ। 50,000 भाई हेल्थ बची हुई है, गन की मदद से गाइस हम लोग थोड़ा सा इसको डैमेज दे रहे हैं। वैसे अगर गन की मदद से डैमेज नहीं देता ना तो भी भाई ये मार देती, बट टाइम ज्यादा लग जाता थोड़ा सा, है कि नहीं। अरे जा रे मेरे भाई, पाल के ऊपर यहाँ पे हमला कर रहे हैं। ये ले बेटा नाइटमेयर इरिस भाई, ये इसका सबसे ज्यादा खतरनाक वाला अटैक है। ओके, ओ बर्फ का पुतला बनाएगा, तू हीरो बनेगा, ज्यादा हीरो बनेगा बेटा। अरे बर्फ से बच के थोड़ा। ठीक है, अरे एक नंबर भाई। अरे यार लेकिन वो टोर्नेडो से तो हट ही गया, नाइस जी, काफी बढ़िया। कम ऑन भाई, अरे यार अटैक क्यों नहीं कर रही, कर दिया इसने अटैक, कर दिया भाई अटैक, खत्म। 22,000 हेल्थ बची हुई है भाई इसकी, वापस से सेम अटैक करना है इसको, वापस से सेम अटैक। हंग्री भाई, मैं तेरे को खिलाता रहूँ खाना भाई, खाने का प्रॉब्लम नहीं है, ले भाई कितना खाना है खा ले भाई आराम से। अब ये खुद से मार लेंगे आखिर में जितना भी बचा हुआ है भाई ये खुद से मार लेगी। ओह शिट, डिवाइन डिजास्टर से इसको बचाना है भाई, नाइटमेयर बॉल से तो बच गया भाई। मैडम जी आप मार दो। अरे बर्फ का पुतला बनाने चला था। ये ले नाइटमेयर बॉल पट से, और ये ले बेटा सट से, गायब होके डायरेक्टली मारेगी भाई इसको। 9000 हेल्थ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ऑलमोस्ट डेड है भाई। कम ऑन, यू कैन डू इट। बर्फ का पुतला बनाएगा, हीरो बन रहा भाई। ये ले, ऑलमोस्ट डेड है नाइटमेयर बॉल। नहीं आखिर में मैं तो सोच रहा हूँ लेजर से ही मारूं भाई यार इसको, मैं वो लेजर वाले अटैक से ही मारूं। मार दिया उसने, इसी ने मार दिया लेजर वाले अटैक से। लेट्स गो बॉयज,
सारे के सारे टावर बॉसेस को हम लोग ने हमारी बैलिनोर बॉस से गाइस इजीली मार दिया भाई। यहाँ पे इस वाले बॉस फाइट में थोड़ी गन यूज कर रही है, बड़ी मुझे सेम टायर के थे ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बाकी तो कोई सीन नहीं है भाई। इजीली गाइस यहाँ पे बड़े आराम से गाइस बॉसेस की बैंड बजाई इसने, मजा आ गया गाइस सच में भाई, फुल मजा ही मजे आ गए। बाकी आपको कैसी लगी गाइस बॉस फाइट बताना भाई। सारे टावर बॉस को तो ऐसे चुटके में खत्म कर दिया इसने यार, फुल मजे ही मजे यार। है तो खतरनाक है यार, कुछ भी बोलो भाई, हमारी ये बैलिनोर जो बॉस है ना ये काफी खतरनाक है। अभी इस बॉस की पावर यहीं पे दिखाने का काम हमारा खत्म नहीं होता, इसकी पावर गाइस आपको मुझे और भी दिखानी है, और वो मैं आपको कैसे दिखाऊंगा बताता हूँ। रुको, पहले तो मुझे जाने दो गाइस यहाँ पे दूसरे वाले बेस पे, एंड यहाँ पे केक शेक, केक के तीन हिस्से होंगे और तीन हिस्से, रुको पहले तो ये 10 केक मैं यहाँ पे डाल दूँ, ये 10 केक यहाँ पे डाले जाए। अभी इसके दो हिस्से और करेंगे, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, इस बैलिनोर बॉस से जितने भी वर्ल्ड बॉस है गाइस, वर्ल्ड बॉस हाँ जो भाई यहाँ पे वर्ल्ड में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, उनको मारने का काम हम अगले वाले एपिसोड में करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा हमारे बैलिनोर बॉस की असली पावर, ठीक है, एक और बार। लेकिन उससे पहले मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आज के इस एपिसोड में करना है। मेरे को अभी जस्ट याद आया कि मेरे घर पे ना फालतू के कुछ अंडे शंडे पड़े हुए हैं, सच में भाई बहुत सारे अंडे फालतू के पड़े हुए हैं। हंगरी क्यों है मेरा भाई, मेरे भाई हंगरी क्यों है, आ जाओ, ये कहीं पे घूमने गया होगा बेचारा इसलिए हंगरी था, ठीक है। तो मेरे पास ना गाइस काफी सारे अंडे जो है जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्या है भाई मैं क्या बोला था आपको, इन अंडों को सबसे पहले तो हैच करा जाए, ठीक है, इन सारे के सारे अंडों को हैच करना है मुझे, और इन अंडों को हैच करके मुझे भाई जो फालतू के हमारे पाल से उनको सेल कर देना है। जगह है, जगह है मेरे पास भाई, जगह यार। सिंडिकेट तक से ना कुछ ज़्यादा ही उंगली करने के लिए आ रहे यार आजकल मेरे बेस पे, दिमाग घुमा रहे मेरा, ठीक है रुको। यहाँ पे ये रहे अंडे, पता नहीं भाई कौन से वाले पाल के अंडे, बट हम लोग भाई बस जाके हैच कर रहे हैं। ये आई थिंक से हमारे जर्मेंटेड इग्निस के अंडे हो सकते हैं, और ये वाला जो है गाइस बैलिनोर बॉस के अंडा हो सकता है भाई, ठीक है। अभी बैलिनोर बॉस जो है गाइस वो तो हम लोग ने बना लिए, तो जितने भी बैलिनोर बॉस अभी निकलेंगे बाहर उनको तो हम लोग भाई मस्त बेकी सेल कर देंगे और थोड़े पैसे कमा लेंगे। ओके, ये अंडे जो है गाइस हैच करना जरूरी है, वरना ऐसे पड़े रह जाएंगे और फालतू में भाई हमारा वो हो जाएगा स्टोरेज फुल, ठीक है। यहाँ से अभी मुझे ऊपर साइड में जाना है, मुझे जाना है गाइस ऊपर साइड में, बराबर, डन 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 डन। ओके, अभी यहाँ पे जितने भी अंडे गाइस मेरे पास हो सारे भाई यहाँ पे हैच करने हैं हमको, उसमें से कौन से स्किल वाला पैल निकल रहा है, क्या निकल रहा है वो कुछ नहीं देखना है, बस इनको भाई हैच करना है जर्मन टेड इग्निस से। ओ ये तो शैडो बेक है भाई, ये तो शैडो बेक के अंडे निकले यार, मुझे तो लगा था भाई ये अंडे जो होंगे वो हमारे प्यारे प्यारे से जर्मन टेड इग्निस के होंगे, बट ये तो शैडो बेक के अंडे। चार चार गोल्डन स्किल वाले मिल रहे, देख रहे हो गाइस, अभी देख रहे हो चार चार गोल्डन स्किल वाले शैडो बेक मिल रहे हैं, जब जरूरत थी तब तो नहीं मिले चार चार गोल्डन स्किल वाले, ठीक है। लकी लकी वगैरह मिल रहा है, इनको सबको बेच दूंगा मैं, मेरे किसी काम के नहीं है। शैडो बेक और वो बैलिनोर बॉस अगर निकले तो उनको बेच देना है, किसी काम नहीं आने वाले हमारे, ठीक है। ये शैडो बेक के अंडे सारे के सारे शैडो बेक को हम लोग बेच ही देंगे अभी, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है हमको, जरूरत ही नहीं है अभी। ये बैलिनोर बॉस है, लिख के ले लो गाइस, बैलिनोर बॉस ना मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे, फ्यूरियस लकी डाइट लवर, नहीं ये भी शैडो बेक है क्या, ये शैडो बेक कैसे हो सकता है, नहीं यार हाँ इसमें से कुछ जर्मन टाइड इग्निस भी निकल रहा है, कुछ शैडो बेक भी है कुछ जर्मन टाइड इग्निस भी है, हाँ कुछ जर्मन टाइड इग्निस, जर्मन टाइड इग्निस जो निकल रहे हैं ना वो हमारे लिए भाई काफ़ी ज़्यादा काम के, क्योंकि उससे हम लोग जो है गाइस हमारे दूसरे जर्मन टाइड इग्निस की लेवल अप कर सकते, तो उनको बचा के रखना है। बाकी जितने भी दूसरे पाल आएंगे उन सबको भेज देना, ये जर्मन टाइड इग्निस के अंडे लग रहा है, यस गाइस ये जर्मन टाइड इग्निस के अंडे, ठीक है जर्मन टाइड इग्निस के अंडे, तो इनसे भाई हम लोग थोड़ा लेवल अप शेवल अप भी कर लेते हैं, क्या बोलते हो गाइस, रुको वे तो मुझे नीचे जाने दो अभी भाई, पहले तो इनके अंडे शंडे जो है कि जो हैच करने दो, यहाँ पे जितने भी हैं कितने अंडे पड़े हुए, बाप रे भगवान अंडों की कमी तो नहीं है यार यहाँ पे, ठीक है चलो हो गए भाई सारे के सारे अंडे, ऑल राइट। जर्मन टाइड इग्निस के भाई ये लेवल अप के काम आएंगे, इनकी स्किल नहीं देखने हम लोग को इनके पास कौन सी स्किल है, क्योंकि इनका यूज़ बस लेवल अप करने के लिए हम लोग करने वाले, समझ रहे हो गाइस। चलो अभी जल्दी से ऊपर जाता हूँ, इनके अंडे जो है गाइस वो हैच कर लेता हूँ यहाँ पे जर्मन टाइड इग्निस के, और देखता हूँ और कुछ अंडे बचे हुए कि नहीं, अच्छी बात है। चलो फ्री में लगभग 20 या 30 जर्मन टाइड इग्निस जो है गाइस वो तो हम लोग को मिल गए, ठीक है।
ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और भाई पहले सेल भी करने का काम करूँगा। मेरे को, मेरे पास कितने अंडे बचे हुए अभी और हैच करने? अब 20 अंडे बचे हुए। चलो गाइस, जब तक अंडे हैच कर रहे हो तब तक आप लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर अभी तक अपने पैलवेल की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे हमारी पैलवेल नाम के आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जितने भी पैलवेल के अभी तक एपिसोड हम लोग ने अपलोड करे वो लाइन से आपको देखने को मिल जाएंगे। सो उस पैलवेल की प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट कर लेना मेरे दोस्तों, काफ़ी ओपी वाले वीडियोज है गाइस। उसमें जितने भी बॉसेस हो पूरे गए इस पैल वर्ल्ड में, जितने भी पैल हो सबको हमने मारा है, सबको हमने कैप्चर करा है, सबको हम लोगों ने मैक्स लेवल करा है। सो जरूर से देख लेना गाइस हमारी प्लेलिस्ट गाइस, ठीक है। चलो अभी हमारा काम तो हो गया यहाँ पे। ब्रेव पायरो मैनेक देखो अभी मिल रहे हैं मेरे को, ये अभी मेरे को मिल रहे गाइस ये जर्मनटाइड इग्रीज जो चाहिए थे वो, लेकिन अभी इनकी ज़रूरत नहीं है वैसे मेरे को, ठीक है अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास जितने चाहिए थे उतने आ चुके हैं भाई जर्मनटाइड इग्रीज, ठीक है। चलो सो नाउ ऑल राइट जी बॉयज, ओके ठीक है। सारे अंडे एक बार मुझे चेक करने दो, सारे के सारे अंडे जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे सच में हैच कर लिए क्या? इसमें अंडा नहीं है, इसमें अंडा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, रुको यहाँ पे देखने दो मुझे एक बार, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। चलो सारे अंडे हमने हैच कर लिए हैं। अभी गई हमारे पाल वाले मर्चेंट को बुला के ना थोड़ी सी मैं उसको पाल्स भेज देता हूँ, मैं हमारे पाल वाले मर्चेंट को बुलाना है। पाल वाला मर्चेंट अनुबिस की जगह पे आ जा भाई, इधर आ भाई पैल वाले मर्चेंट भाई, इसको करने सेल मुझे कुछ भाई पैल्स, ठीक है। जर्मन डेड इग्निस नहीं सेल करने, इनको सेल करने। ऑल राइट रेड भी हो गई भाई, अभी अभी रेड होनी थी, किसकी रेड हुई है? ओके नॉर्मल है भाई रेड। इन रेड वालों के ऊपर मैं आपको दिखाऊँ क्या गाइस हमारे बैलनवेयर की पावर? आ जाओ भाई आपको दिखाता मैं अपने बैलनवेयर की पावर, ये रेड जो करने वाले आ रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। कम ऑन, कहाँ से हमला कर रही है? पता नहीं हमला तो करा है, इन लोग की बैंड भी बज रही है बट समझ नहीं आ रहा। नहीं जिनके ऊपर हमला करा था मैंने वो तो मर गए भाई। अरे रुक जाओ यार, इसकी स्पीड उतनी ज्यादा तेज नहीं, नहीं मेरी अरे भाग रहे गाइस ये लोग। चलो दो पैल जो है गाइस वही बस अंदर जा चुके हैं, बाकी सारे के सारे जो गाइस जितने भी हमारे चेले थे चमचे थे उनको मैंने मार दिया है, इसके ऊपर बैठ के नहीं जा सकता, जल्दी जल्दी धीरे धीरे चल चल के जाना पड़ रहा है मेरे को। अरे मेरी पूरी किस्मत मार दिया इसने लेजर अटैक, भाई खत्म दे लेजर अटैक दे लेजर अटैक दे, खत्म भाई भाई रेड खत्म खल्लास टाटा बाय बाय गुड बाय। ओके पैल को भी हम लोग ने भेज दिया है, जो एक्स्ट्रा पैल हम लोग को मिले थे उनको भेज दिया हम लोग ने, ठीक है। अभी भाई अनुबिस कहाँ पे रखा था मैंने, ये रहा पैल वाले मर्चेंट को वापस से यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो हमारा काम जो है गाइस वो हो चुका है, और अगले वाले एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस असली पावर हमारे बैलनवेयर की, जिसमें हम लोग जितने भी वर्ल्ड बॉसेस है जो बाहर घूमते रहते उन वर्ल्ड बॉसेस को मारने का काम करेंगे। सो अगला वाला जो एपिसोड होगा पैल वर्ल्ड का वो बिल्कुल मिस नहीं करना। आज का जो एपिसोड है जिसमें हम लोग ने सारे के सारे टावर बॉस को मारा है, ये वाला एपिसोड आपको कैसे लगा जरूर मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, और बैलनवेयर जो बॉस है गाइस वो भी कैसे लगी जरूर बताना नीचे कमेंट करके। बाकी आज का पैल वर्ल्ड का ये वाला एपिसोड हो जाता है गाइस यहीं पे खत्म, मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.